नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनाली। खुद की जेबें भरने के लिए स्टार्स भारत के युवा का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। इन स्टार्स को लोग आदर्श मानते हैं और जैसा ये करते हैं वैसा ही इनको फॉलो करने वाले लोग करते हैं। स्टार्स को फॉलो करने की लिस्ट में बच्चे, बूढ़े, युवा, नौजवान सब होते हैं। ऐसे हम नहीं कह रहे, ये कहना है सोशल एक्टिविस्ट तमन्ना हाशमी का। तमन्ना हाशमी ने रणवीर सिंह, अजय देवगन, शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। क्या है इसके पीछे की वजह, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। बॉलीवुड के नामचीन एक्टर बिग बी अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, किंग खान, शाहरुख खान और रणवीर सिंह पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दरअसल चारों पर यह एफआईआर पान मसाला के विज्ञापन को लेकर किया गया है। आपको बता दें, इन चारों पर बिहार के मुजफ्फरनगर के रहने वाले सोशल एक्टिविस्ट ने इन सभी एक्टर्स पर यह मामला दर्ज कराया है। सोशल एक्टिविस्ट तमन्ना हाशमी ने रणवीर सिंह, अजय देवगन, शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन के खिलाफ सेक्शन 467, 468, 439 और 120B के तहत केस दर्ज करवाया है। वहीं चार्जशीट में इन चारों स्टार्स पर पैसों के लालच में अपना स्टारडम का गलत उपयोग करने का भी आरोप लगाया गया है। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक इस केस की सुनवाई 27 मई को होगी। तमन्ना ने बताया कि इन स्टार्स ने अपने पॉपुलैरिटी का गलत फायदा उठाया है। इन लोगों को बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक अपना आइडल मानते हैं। ऐसे में स्टार्स जो करते हैं उन्हीं को ये लोग फॉलो करते हैं। ऐसे में स्टार्स के ऐसे विज्ञापनों से इन पर गलत असर पड़ा है। वहीं आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन ने अपने जन्मदिन पर एक बयान जारी किया था कि उन्होंने अपना करार खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा था कि कमला पसंद का विज्ञापन प्रसारित होने के कुछ दिन बाद ही कंपनी से बात करके विज्ञापन के साथ अनुबंध खत्म कर दिया और साथ ही प्रमोशन की फीस भी लौटा दी। जिन चार स्टार्स के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है, इनके पास न तो काम की कमी है, न पैसे की कमी है, न शोहरत की कमी है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि ये स्टार्स पान मसालों के विज्ञापन क्यों करते हैं। इन स्टार्स को ये बात समझनी चाहिए कि उनके फैंस उन्हें फॉलो करते हैं और इसका गलत असर देखने को मिलता है। वैसे अब देखना दिलचस्प होगा कि एफआईआर दर्ज होने के बाद इन स्टार्स पर क्या कार्रवाई होती है। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।